हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कड़ी पत्ते की चटनी। ये जो कड़ी पत्ते की चटनी है ना, खाने के लिए बहुत टेस्टी बनती है और कड़ी पत्ता खाना हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। आप इसे दाल चावल के साथ या फिर पराठे के साथ खा सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखें। चलो तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी पत्ता लिया था, उसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे आप एक कपड़े पे सुखाने के लिए रख दीजिए या फिर पेपर पे। और जब कड़ी पत्ता पूरा सूख जाए ना, तभी आपको उसे यूज करना है। उसके साथ ऐड करने वाली हूँ गार्लिक, ड्राई कोकोनट जिसे कद्दूकस किया है, रोस्टेड चना दाल 1 टेबल स्पून, उसके साथ लिया उड़द की दाल और तिल। पैन में डालने वाली हूँ उड़द दाल और चना दाल और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। दाल हमारी थोड़ी सी भून गई है, अब इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा ऑयल ही आपको यूज करना है और वापस से ऑयल के साथ इसे हम भून लेंगे। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ ड्राई कोकोनट और उसके साथ ऐड करने वाली हूँ गार्लिक, तिल और रोस्टेड चना दाल और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। कोबरा और हमारी दाल यहाँ पे अच्छी तरह से भून गई हैं। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ करी पत्ता और करी पत्ते को आपको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भूनना है, तभी हमारी जो चटनी है ना टेस्टी बनेंगी। गैस की फ्लेम यहाँ पे आपको स्लो ही रखनी है, स्लो गैस पे ही आपको भूनना है। आप यहाँ पे सुन सकते हो करी पत्ता अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक हमने भुना है। बस इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ जीरा और जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके साथ ऐड करने वाली हूँ 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आपके हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। हल्दी, जो भी सामान हमने भुना था ना उसे मैंने मिक्सर ग्राइंड में निकाल लिया है। उसमें ऐड करने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी अच्छी तरह से ग्राइंड हुई है और उसकी खुशबू है ना बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी करी पत्ते की चटनी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। सच में बहुत टेस्टी बनती है। रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन।